वेलकम टू 100% वेज हेल्थ का डोज। आज जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस से याद आया कि खाने के अंदर भी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इस बैलेंस को आज हम कैसे मेंटेन करेंगे। कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाएंगे जिनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो जो बॉडी के अंदर तराजू है वो पूरी तरह से बैलेंस रहेगा विद स्वाद एंड विद मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। तो हमारी आज की पहली रेसिपी है ककड़ी और चने की करी। सबसे पहले जो ककड़ी है उसका इस्तेमाल करें। कैसे? क्वार्टर्स में काट के, फिर छोटी छोटी डाइसेस में काट के। तो ये लंबे क्वार्टर्स, इसके बाद इसकी डाइसेस। जिसके अंदर मिनरल का कंटेंट है वो हमारी करी को एक बैलेंस मील में तब्दील करेगा। तो भाई मिनरल हो गया, वाटर कंटेंट इसके अंदर आ गया, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कुछ प्रोटीन लाना। तो प्रोटीन आएगी चने से, मिठास आएगी गुड़ से, और कैसे कैसे क्या क्या होगा आगे बढ़ते हुए हमें पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तो सबसे पहले एक पैन जो है, हैवी बॉटम पैन, आप चाहें तो अर्थनवेयर के अंदर भी इसे पका सकते हैं। पैन गर्म होते ही देसी घी। एक अच्छे घी की पहचान ये है कि जब हम थोड़ा सा लें, करीब एक चम्मच डालते हैं तो एक्सपैंड होकर पूरी तरह से वो फैल जाता है। ये भी एक तरह का बैलेंस है। चलिए बैलेंस की बात करते करते इसके अंदर स्वाद किस तरह लाना है, तो हमारे पास है यहाँ गार्लिक। गार्लिक को स्लाइस करके इस्तेमाल करेंगे। घी गर्म होते ही सबसे पहले इसके अंदर लहसुन, जैसे लहसुन जो है हल्का सा ब्राउन होना चालू हो जाएगा इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले राई यानी कि मस्टर्ड के दाने, उसके बाद कुछ काली मिर्च, कुछ सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च का जैसे आपको फ्लेवर आना चालू हो जाएगा इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब हींग ऑप्शनल है, आप चाहें तो हींग का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ जिंजर पाउडर का भी आप यहाँ सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये बेसिक मसाले हैं, धनिया मिर्ची, चाहें तो इसके अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, ऑर्गेनिक कश्मीरी चिली का आप इस्तेमाल करें, इससे होगा ये कि कलर जो है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बैलेंस है, क्योंकि सूखी मिर्च इस्तेमाल हुई है, पाउडर इस्तेमाल हुआ है, तो दोनों का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। नेक्स्ट मूव, जो हमारा कुकुम्बर है, खीरा, ककड़ी, जो आप कहना चाहें वो हम काट के इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट आप डालते देखेंगे इसका जो कलर है थोड़ा रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सूखा हुआ नारियल, नारियल जो है डालने के बाद मिक्स कीजिए, तो ग्रेवी जो है एकदम सही कंसिस्टेंसी में जा रही है। आगे इसके अंदर इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी डाला जाएगा। पानी डालते ही ना जो पैन होता है डीग्लेज होता है, एक सिजलिंग साउंड आता है, दैट इज़ वेरी सैटिस्फाइंग स्पेशली टू मी एज अ शेफ, क्योंकि क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हमारे मसाले जो है भुन चुके हैं, पक चुके हैं। अब क्या करना है भाई, गुड़ है हमारे पास, अब डालते हैं इसके अंदर। ओके, ओके, नाउ टाइम टू एड द काला चना। यहाँ पर काला चना मैं उबाल के इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गया इसमें काला चना। जितना कुकुम्बर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, करीब करीब उतनी ही क्वांटिटी में कोशिश करें कि चना भी इस्तेमाल हो। दोनों चीज़ों का बैलेंस एकदम सही मेंटेन होगा। आगे क्या करना है इसके अंदर भाई, सबसे ज़रूरी है नमक। करेले का इस्तेमाल करेंगे। करेला क्या करना है, बस पतला पतला इस तरह काटना है, जितना पतला काटेंगे उतना अच्छा। करेला काट के थोड़ा सा इसके ऊपर अभी हम नमक छिड़केंगे। तो ये नमक क्यों छिड़कना है, नमक इसलिए छिड़कना है कि करेले के अंदर जो है अपनी थोड़ी सी कड़वाहट होती है उसको हमें हल्का सा गायब करना है, यानी कि स्वाद जो है करेले का उसका बैलेंस कड़वे से हटाकर एकदम न्यूट्रल लाना है। यहाँ पर हम देखेंगे हल्के हल्के जूसेस बाहर आ गए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक बोल में इसे निकालते हैं हम। इसके अंदर हमें क्या डालना है वो देखेंगे। सबसे पहले एक फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं थोड़ी सी हींग, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देता हूँ। इससे जो है कड़वाहट तो हमने कम कर दी है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसके अंदर तीखापन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक लेंगे प्लेट। प्लेट के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लेंगे चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर, उसे इस तरह से फैला लेंगे। तो ये हमारे पास जो चावल का आटा है किस लिए, आप समझ गए होंगे कि जो करेला है इसको कोट करने के लिए।
बस ऐसे डालना है और हल्का सा कोट कर लेना है। तो सभी जो हमारे पास करेले के ये प्यारे प्यारे स्लाइसेस हैं, इनको कोट कर लेते हैं। कोट करते हैं दोबारा राइस फ्लावर से। बस अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। ऑयल जो है मैंने पहले से गर्म करने को रखा हुआ है। लेट्स चेक द ऑयल। एकदम सही टेम्परेचर पर है, यानी कि मध्यम आंच पर। बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर की कोटिंग जो है चावल के आटे की, वो तो पके, लेकिन साथ में जो बीच में करेला है अंदर, वो भी पूरी तरह कुक हो। ओके, अब ये जो बचा हुआ हमारे पास चावल का आटा है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। पहले चिप्स देख लूँ, कहीं वो जल ना जाए। चिप्स जो है ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, काफ़ी क्रिस्पी हैं, इसका मतलब देखिए तैयार हो चुके हैं। आइए इनको निकाल लेते हैं। अभी जो बचा हुआ यहाँ पर चावल का आटा, इसका क्या करना है, एक छोटा सा बोल लेंगे हम। इसको लेंगे इस बोल के अंदर और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसमें जो लम्स हैं, बस उन लम्स को हमें घोल के आगे बढ़ना है। व्हाट टू डू, देखिए ये गया इस ग्रेवी के अंदर। देखिए डालते ही आप देखेंगे कि जो इसका शाइन है वो एकदम से चेंज हो गया है। बस हल्का सा उबाल आने का इंतज़ार करना है, ताकि जो ये चावल का आटा है उसका कच्चापन कहीं फिनिश ग्रेवी के अंदर ना आए। उबाल आ चुका है, करी रेडी हो चुकी है, चिप्स भी तैयार हैं। मिला के करते हैं इनकी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन। मैं एंजॉय करता हूँ क्रिस्पी चिप्स को। आप देखिए ककड़ी एंड चना करी विद करेला चिप्स का एक रीकैप। ककड़ी और चने की करी बनाने के लिए गरम पॉट में 2 छोटी चम्मच देसी घी, 4 से 5 बारीक कटी लहसुन, 1 छोटा चम्मच राई, 6 से 7 काली मिर्च, 3 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। पॉट में ककड़ी डालकर 1 मिनट तक पकाएं। 3 छोटी चम्मच इमली का पेस्ट, 1/2 कप कसा हुआ नारियल, 1 कप पानी, 3 से 4 छोटी चम्मच गुड़, 1 कप ब्लांच्ड काला चना और स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर कुक करें। अब एक करेले को स्लाइसेस में कट करें और नमक मिलाकर बोल में लें। 1 चुटकी हींग और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर से मैरिनेट करें। प्लेट में 2 छोटी चम्मच चावल का आटा लें और करेले की स्लाइसेस को कोट करें। गरम तेल में करेले की स्लाइसेस को फ्राई करें। बचे हुए चावल के आटे को बोल में लेकर 2 से 3 चम्मच पानी मिक्स करें और करी पॉट में मिलाएं और बॉईल आने तक पकाएं। प्रेजेंटेशन के लिए करी को बोल में निकालकर प्लेट में रखें। करेले की चिप्स पर लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें। ककड़ी और कुटी काली मिर्च डालकर गुड़ से गार्निश करें। ककड़ी और चने की करी तैयार है।